Hi guys, my name is Arish and welcome to my YouTube channel Civilians Technology. This could be us. So back to what I was saying. आज हम बात करने वाले हैं कर्व्ड बीम्स के बारे में। क्या होती हैं कर्व्ड बीम्स, कैसे डिज़ाइन करी जाती हैं, कैसे एनालाइज करी जाती हैं, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि बेसिक डेफिनेशन कर्व्ड बीम्स की क्या होती है, अगर हम देखें कि बेसिक डेफिनेशन कर्व्ड बीम का, कर्व्ड बीम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने दो लेक्चर्स पोस्ट करे हैं, एक डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक और डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक, वो आपको आई बटन पर जाकर मिल जाएंगे। तो कर्व्ड बीम क्या होता है, कर्व्ड बीम की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, तो अ बीम बाउंडेड बाय सर्कुलर आर्क्स। अ बीम अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं अ बीम बाउंडेड बाय सर्कुलर आर्क्स, वो बीम जो बाउंडेड बाय सर्कुलर आर्क्स हो, जो दो सर्कुलर आर्क्स के बीच में बाउंडेड हो। मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी बीम, जैसे एक कर्व ये है या फिर एक आर्क कह लीजिए आप, एक आर्क ये है, तो एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, तो ये जो बीम जो बन रही है, तो ये जो हमारी बीम है, तो इसी बीम को हम कहते हैं कर्व बीम, जो कर्व इन शेप होती है। एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, दो आर्क के बीच में बाउंडेड है ये, इसे हम कहते हैं कर्व्ड बीम। तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी जो यहाँ से बिल्कुल पास हो रही होगी, इसके सेंटर से बिल्कुल पास हो रही होगी, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल न्यूट्रल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये अलॉन्ग लेंथ है तो ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये कर्व्ड बीम है तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं कर्व्ड बीम। अब इस कर्व्ड बीम को हम और ज़्यादा अगर हम टेक्निकल फॉर्म में, हम टेक्निकल डेफिनेशन हम अगर हम लेना चाहें, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, इसके अंदर अगर हम कहें टेक्निकल डेफिनेशन कह सकते हैं, इन दिस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड does not lie on the curved longitudinal axis of the member। क्या कहता है, इन दिस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड डज नॉट लाइज ऑन द कर्व लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट बीम होती है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर ये रेक्टेंगुलर बीम है और इसकी न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, तो यहीं पर इसके कहीं पर सी जी होगा, तो लोड जब इस पर पड़ता था, जब लोड हम लगाते थे, तो वो क्या करता था, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लोड आ जाता था, ठीक है। मगर कर्व बीम के अंदर अगर हम लोड लगाएंगे ऊपर से, अगर अब इसमें लोड लगाएंगे, कर्व बीम के अंदर अगर हम ऊपर से लोड लगाएं और ये इसकी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये कह रहा है इन दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड, अगर हम इस पर लोड लगाएं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी लोड की, वो लाई नहीं करेगी इस एक्सिस के ऊपर। बस इतनी सी बात है कि जो लोड हम लगाएंगे, वो लोड इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेगा, समवेयर हेयर लाई करेगा, वो इधर की साइड लाई करेगा, इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड जो होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जिसकी वजह से अगर अब ये लोड यहाँ पर लगेगा नहीं, तो कहाँ लगेगा, कहीं और लगेगा, तो इसकी जिसकी वजह से जिसकी वजह से बीम जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट में आ जाती है, बीम जो है ट्विस्ट हो जाती है। कैसे ट्विस्ट हो जाती है, अब देखिए, अगर कोई सर्कुलर बीम आप बनाओ, कोई कर्व बीम अगर आपने बना ली, तो एक वो यहाँ एक उसके दोनों एंड्स रिस्ट्रेंड रहते हैं और दोनों एंड्स जो हैं
फिक्स रहते हैं तो ट्विस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्विस्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जब ट्विस्ट होगा टॉर्जनल मोमेंट आएगा तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, ड्यू टू विच बीम ट्विस्टिंग मोमेंट शेयर फोर्स ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ सकता है, शेयर फोर्स भी आ सकता है, ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है। बेंडिंग मोमेंट भी आ जाता है। तो अगर हम जब हम इस पर लोड लगाते हैं तो ये लोड जो है लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है लोड को वो लाई नहीं करता इस न्यूट्रल एक्सिस पे, इस लॉन्गिट्यूडनल न्यूट्रल एक्सिस पे, तो उसकी वजह से बीम में ट्विस्टिंग मोमेंट आता है। जब ट्विस्टिंग मोमेंट आता है तो उसकी वजह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर हम और आगे हम थोड़ा सा बात करें तो हमारे पास डायग्राम अगर हम बनाएं सर्कुलर बीम कह लें या फिर कर्व बीम कह लीजिए, जैसे हमने सर्कुलर बीम का एक डायग्राम बना लिया, सर्कुलर बीम का हमारे पास डायग्राम फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया, तो इसके अंदर डायग्राम के अंदर इस बीम का एक सेंटर होगा, ये हमारे पास सेंटर है। तो कोई भी बीम होती है वो कॉलम पे प्लेस रहती है, कोई भी बीम होती है चाहे वो रेक्टेंगुलर बीम हो तो सर्कुलर बीम भी कॉलम्स में एन नंबर ऑफ कॉलम्स पे प्लेस रहती है, ठीक। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर ये प्लेस्ड होगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कॉलम है C1, यहाँ पर एक कॉलम है C2, यहाँ पर एक कॉलम है C3, यहाँ पर एक कॉलम है C4, ठीक है। तो ये इसके ऊपर रखी हुई है बीम, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R, ये भी रेडियस ऑफ सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हो जाएगा R, ठीक है। और अगर हम दोनों को यहाँ पर मिलाएं कॉलम टू कॉलम बीम दें तो एक बीम यहाँ पर स्ट्रेट आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, हम इसमें से एक पोर्शन को निकाल लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बाहर लेके समझते हैं कि कैसे होता है। तो हमने इस पोर्शन को बाहर ले लिया तो इस पोर्शन का डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, आपको पता है कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आएगा। तो यहाँ पर C1 था, हमने यहाँ पर C1 ले लिया, यहाँ पर C2 था, हमने यहाँ पर C2 ले लिया, और ये स्ट्रेट लाइन से मैच हो गया और यहाँ पर सर्किल का पार्ट आ गया, क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट हमने बना लिया। अच्छा, जब इसके बनाने के बाद ये आपका सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इस पूरा जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं 2 थीटा, उसे हम कहते हैं 2 थीटा। तो ये भी हमारे पास पूरा 2 थीटा होगा, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये होगा आपका 2 थीटा। जब ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 थीटा और ये अनदर थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये अनदर थीटा एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस कर्व का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर इसका सी जी इस कर्व का, यहाँ पर इस आर्क का सी जी यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक और एंगल होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा, तो हम मान लेते हैं उस वेरिएबल एंगल को अगर हमें लेना हो तो उस वेरिएबल एंगल को आप कैसे ले लोगे, उस वेरिएबल एंगल को आप ले लोगे इस तरीके से, इस वेरिएबल एंगल को मान लोगे फाई मान लोगे, वो कहाँ से जा रहा है, यहाँ 0 से थीटा तक जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए आप सी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर आप सी पॉइंट मान लीजिए, इसे यहाँ पर आप सी एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से थीटा तक वेरी कर रहा है। तो फाई क्या है, एक वेरिएबल एंगल है, वेरिएबल एंगल है जो वेरी कर रहा है, इट वेरीज फ्रॉम 0 degree टू थीटा डिग्री, ये वेरी कर रहा है 0 to θ के बीच में लाई करता है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये वेरिएबल एंगल है। तो इसके अब इसकी हेल्प से अब हम अगर इसे और ज़्यादा हमें समझना है तो हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि फाई का कैस क्या यूज़ होता है, थीटा और
पाई किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना कर्व बीम किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा कोई भी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी आप नोट करके लिख लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो हमें डिज़ाइनिंग में काम आएंगी। अगर पहली बात ये, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिग्री को हमें क्या करना पड़ता है, डिग्री को जितनी भी डिग्री होगी उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, हमारे पास आ जाता है रेडियन में, रेडियन में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमें 30 डिग्री को हमें रेडियंस में चेंज करना है। 30 डिग्री को जब हमें रेडियंस में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, और हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, छोटी सी मैथ से ये सॉल्व कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 0.5233 आ रहा है, 0.5234 ले लेंगे, इसका मतलब 0.5234 आपका रेडियंस हो गया, ठीक। और अब अगर हमें इसे रेडियन, ये हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया, हमने एग्जांपल दिया है, और अगर हमें इसे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है वापस, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 0. यहाँ पे लिख लीजिए रेडियंस टू डिग्री, तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम रेडियन को 0.5234 को हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख लीजिए क्या आएगा, 30 डिग्री आना चाहिए, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, 0.5234 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है, आप देखिए 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, यहाँ तक आप समझ गए बात। अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग पे, कि हमें किस तरीके से कर्व बीम को डिज़ाइन करना है। तो हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, हमने ले लिया एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कर्व बीम सर्कुलर इन प्लान इज लोडेड विद यूनिफॉर्म लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन मीटर। इसमें लोड कितना दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन मीटर इंक्लूसिव सेल्फ वेट, मतलब उसके अंदर, इसके अंदर इसका सेल्फ वेट भी है। द रेडियस ऑफ द बीम इज 5 meters, कह रहा है रेडियस ऑफ बीम जो है 5 meters है। द बीम इज सपोर्टेड ऑन 6 symmetrically placed columns, 6 symmetrically placed columns में ये बीम जो है प्लेस्ड है, मतलब सिमेट्रिकल कॉलम, मतलब अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो C1, C2, C3, C4 थे, ऐसी तरीके से ये सर्कुलर बीम प्लेस्ड है, उनके ऊपर रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको निकालना है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लोकेट करना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ड्रॉ टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम, डिज़ाइन द सपोर्ट सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि ओमेगा, इसे हम लोड कहते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ बीम जो हमें दी हुई है आर वो 5 meters दी हुई है, और सपोर्ट्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट्स आपको कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट्स आपको दिए हुए हैं सिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब गाइस देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ये एंगल, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है कि कितने एंगल पर ये दोनों कॉलम कितने एंगल पर प्लेस्ड हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। तो इस तरीके से हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ सपोर्ट्स दिए हुए हैं, और सेकंड कॉलम में 2θ की वैल्यू दी हुई है, जितने आपके सपोर्ट्स हैं उस हिसाब से आप 2θ की वैल्यू ले लोगे, आपको अभी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ सपोर्ट्स के कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ सपोर्ट 6 है, 2θ की वैल्यू 60 degrees हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट टेबल आपको शो हो गई होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि 2θ
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे एंगल। हम निकालेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वही था टेबल में। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमें इस डिग्री को हमें रेडियन में करना है। अब आपको मैंने बता रखा है किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे 30 इंटू पाई बाय 180, जो कि आपका आ रहा था, मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया था, पाई बाय 180 0.5234 कितना आ रहा है, 0.5234 रेडियंस। ठीक है, 0.5234 रेडियंस आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें एंगल हमें पता चल गया, थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, थीटा इज इक्वल टू 0.5234 रेडियंस है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हमें शेयर फोर्स डायग्राम के लिए वैल्यूज़ चाहिए, अलग 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 एंगल्स पर हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, पहला शेयर फोर्स डायग्राम। तो हमारे पास शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। वो फार्मूला होता है वी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आर थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं हम शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। अब हम इस फॉर्मूले को अलग अलग फाई की वैल्यूज़ पर अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। अब फाई की वैल्यू कैसे रखेंगे, फाई की वैल्यू हम तीन स्टेप में रख लेते हैं। एक तो फाई की वैल्यू कहाँ, जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रही। अब हमारे पास थीटा, हमारे पास 30 डिग्री है, जीरो, इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब फाई जो वेरी करेगा वो 0 से 30 तक वेरी करेगा। तो हम 0 से 30 तक वेरी करेगा, उसके बीच में भी हम निकाल लेते हैं जो कि इनका, इन दोनों एंगल का अर्थमेटिक मीन होता है। 0 और 30 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 0 प्लस 30 बाई 2 15 डिग्री। तो हम वी फाई की वैल्यू तीन एंगल्स पे निकालेंगे, 0 डिग्री, 15 डिग्री और 30 डिग्री। अगर अगर यही एंगल थीटा की वैल्यू 90 आती तो हम निकालते 0 45 90, और अगर थीटा की वैल्यू 100 आती तो हम किस पे निकालते, 0 50 100। दोनों एंगल के बीच वाले एंगल का भी ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहली का पहला काम ये करते हैं, वी फाई हम पुट करते हैं, फाई इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, पुट फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं। और हमारे पास थीटा तो हमें पता ही है, थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री और रेडियंस में 0.5234 रेडियंस है। तो हम पुट करेंगे, हमारे पास है वी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आर थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो वी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आपको पता है 150, आर पता है 5, और थीटा आपको पता है, जब थीटा अकेला होता है थीटा अलोन, तो हम थीटा को रेडियंस में रखते हैं। और थीटा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर होता है, मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होता है, हम थीटा को डिग्री में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है। और थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, 0.5234 माइनस का 5 हमारे पास क्या है, 0। तो हम 0 यहाँ पे फाई भी रेडियंस में रखेंगे, मगर 0 को अगर रेडियंस में करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा वी फाई, आपको मिल जाएगा कितना आ जाएगा, 392 पॉइंट, आपको कितना मिल जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा वी फाई 392.625 किलो न्यूटन, ये आपको मिल जाएगा वी फाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, पुट फाई इज इक्वल टू 15 डिग्री पे निकालोगे, फाई इज इक्वल टू 15 डिग्री पे निकालोगे, थीटा आपको पता ही है 30 डिग्री, जो भी आपको पता है 0.5234 हमें पता है। और इसे 15 डिग्री को जब आप चेंज करोगे तो 15 इंटू पाई बाय 180, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0. मैंने सॉल्व करके रख रखा है ताकि आसानी रहे, तो ये आपके पास इतना रेडियंस आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे वी फाई इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता ही है, तो ओमेगा की ओमेगा आर थीटा माइनस फाई हमें पता है, इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 150, आर की वैल्यू है 5। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0. अकेला है थीटा तो हम रेडियंस रेडियंस में रखेंगे, 5234 माइनस का 5, फाई कितना है 0.02618, जो कि अभी 15 पर आया था हमने निकाल लिया। तो हमारे पास वी फाई की वैल्यू यहाँ पर 15 पे कितनी आ गई, 196.275 किलो न्यूटन, आप सॉल्व कर लेना यही वैल्यू आएगी।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इसकी भी आ गई। अब हमें किस पे निकालना है, 30 पे निकालना है। तो हम करेंगे पुट फाइव इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी होता है, जो कि होता है 0.5234 के बराबर होता है। और थीटा और 30 को जब आप सॉल्व करोगे वो भी हमारे पास यही यही आएगा। तो हम कह देंगे वी फाई इज इक्वल्स टू, हमें पता है ओमेगा आर थीटा माइनस फाई, हमें पता है वी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आपको पता है 150, आर पता है 5, थीटा आपको क्या है, थीटा आपको पता है 0.5234 माइनस 5, फाई आपको क्या है, फाई आपको पता है 30, 30 भी 0.5234 के बराबर आ रहा है। तो वी फाई आपके पास क्या हो गया, 0 किलो न्यूटन। ठीक है, 0 किलो न्यूटन हो गया, सिंपल। तो ये आपके पास आ गया 0 किलो न्यूटन हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास शेयर फोर्स कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास शेयर फोर्स कंप्लीट हो गया, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ड्रॉ बाद में कर, हम ड्रॉ तीनों को, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम, तीनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने शेयर फोर्स का वैल्यूज निकाल लिए, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यूज निकालेंगे। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए वन, ठीक, इस इक्वेशन को आप मान लीजिए वन। इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास सारी वैल्यूज आई हैं। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए आप। तो सेकंड हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइस क्या होगा आपके पास, आपके पास फॉर्मूला होगा एम फाई, उसमें भी फॉर्मूला यूज होता है। वो कहता है कि एम फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर थीटा साइन फाई प्लस का थीटा कॉस फाई कॉट थीटा माइनस वन। ये हमारे पास क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए कहीं। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा साइन फाइव प्लस का थीटा कॉस फाइव कॉट थीटा माइनस वन। अब वो यही काम हम जो यहाँ पर काम कर रहा है, यही काम हम इसके लिए करेंगे। सबसे पहले हम जीरो पे निकालेंगे, हम थर्टी पे निकाल फिफ्टीन पे निकालेंगे सॉरी, फिर हम किस पे निकालेंगे, 30 पर निकालेंगे वैल्यू। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे पुट फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, फाइव इज इक्वल्स टू जीरो और थीटा इज इक्वल्स टू आपको बताइए कितना आएगा, 30 डिग्री, और क्या आता, 0.5234 रेडियंस। ठीक है, हम इसे फाइव इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, आपको पता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है ओमेगा आर स्क्वायर थीटा साइन फाइव प्लस का थीटा कॉस फाइव कॉट थीटा माइनस का वन। आपको पता है फॉर्मूला, इसमें पुट कर लीजिए, एम फाइव इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 150 इंटू फाइव का स्क्वायर, थीटा यहाँ पर क्या है, अकेला है, तो रेडियंस में आएगा 0.5234 साइन फाइव, फाइव कितना है जीरो प्लस का थीटा, थीटा यहाँ पर अकेला है तो रेडियंस में आएगा 0.5234 हमारे पास कॉस फाइव, फाइव हमारे पास कितना है जीरो, कॉट, अब कॉट के साथ है थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ थीटा है, तो थीटा किस में आएगा, डिग्री में, 30 माइनस वन। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 30 क्यों रखा, कोई अगर ये थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होगा तो हम डिग्री में रखेंगे, और अकेला होगा मतलब अलोन कहीं पर थीटा सिंगल अगर आपको दिख जाएगा तो आप उसे रेडियंस में रखोगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके, वो आएगी आपके पास माइनस का 349.76 किलो न्यूटन मीटर, और बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साइन जीरो जीरो, ये पूरी वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक, सिर्फ आपको इतना सॉल्व करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, एम फाइव की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुट फाइव इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, अब फाइव इज इक्वल टू 15 डिग्री, अब 15 डिग्री के बाद हमें पता है कि 15 डिग्री कितना होता है, 0.2618 रेडियंस आपको पता है गाइस होता है, और आपको थीटा भी पता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5234 रेडियंस हमारे पास है। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, एम फाइव इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर 150 इंटू फाइव का स्क्वायर, थीटा, थीटा हमारे पास अकेला है तो 0.5234 साइन फाइव,
साइन फाई, फाई हमारे पास किस में है, ट्रिग्नोमेटिक रेशियो के अंदर है, तो फाई हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस का थीटा 0.5234, 0.5234 कॉस फाई, कॉस फाई, फाई हमारे पास ट्रिग्नोमेटिक रेशियो के साथ है फाई, और कॉट थीटा, थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेटिक रेशियो के साथ है 30 माइनस का 1, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एम फाई इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा, लाइए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आई होप दिख रहा होगा। देखिए पूरा हम इसमें एम एस 991 किलोमीटर में हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, 0.5234 साइन, साइन कितना, सॉरी सॉरी साइन 15, साइन 15 यहाँ पर आ गया, प्लस का 0.5234, 0.5234 कॉस, 0.5234 कॉस 15 हमारे पास, हमने 15 पुट कर दिया, कॉट 30, कॉट 30 को हम क्या कह सकते हैं, 10 30, तो हम कह सकते हैं 10, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, 10 30, और यहाँ पर है आपके पास माइनस का 1, आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.74, माइनस का 1.74 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 150 और 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड 5525, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -349.76, माइनस का 15 डिग्री, माइनस का हमारे पास आ रही थी, ये हमारे पास आ रही है 42, 15 डिग्री पर 42.46 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये एम 15 पे हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पुट करेंगे, पुट फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब हम फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे तो इसका मतलब 0.5234 रेडियंस, 0.5234 रेडियंस, और थीटा भी इज इक्वल टू 30 होता है, थीटा भी इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, जो कि बराबर होता है 0.5234 रेडियंस के बराबर होता है जब आप इसे पुट करोगे। इसी तरीके से आपको पुट करना, जब आप इसे पुट करोगे 30 डिग्री को जब आप पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 176.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है गाइस, आपको ये वैल्यू आएगी जब आप पुट करोगे तो आपको आराम से अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन एक्स मान लेते हैं इसे, ऐसे ही इक्वेशन एक्स मान लेते हैं, शायद बाद में काम में आएगी ये। ठीक है, तो हमने इसे एक्स मान लिया, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, हमारे पास बेंडिंग शेयर फोर्स की आ चुकी हैं, हमारे पास क्या आ गई हैं, बेंडिंग मोमेंट की भी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड पॉइंट करना है, लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेट। अच्छा, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को बताने से करने से पहले आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर समझ लिए होता क्या है, थर्ड पॉइंट लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, या फिर आप वो कह सकते हो दैट पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट कट्स द जीरो एक्सिस, जहां पर बेंडिंग मोमेंट का कर्व जो है जीरो एक्सिस को कट करता है, तो वो पॉइंट जो होता है जिस पॉइंट पे वो कट करता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा आपकी, और या फिर आप कह सकते हो कि द पॉइंट वेयर द टॉर्जनल मोमेंट इज मैक्सिमम, वो पॉइंट जहां पर टॉर्जनल मोमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, वो पॉइंट जहां पर टॉर्जनल मोमेंट मैक्सिमम होता है, मैं लिख देता हूं वैल्यू, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, बी एम स्टैंड फॉर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप कह सकते हो दैट पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह सकते हैं, वेयर द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट्स द जीरो एक्सिस। सब समझाऊंगा मैं एक एक करके, सब सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कट्स द जीरो एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, और या फिर आप तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो पॉइंट वेयर द टॉर्जनल मोमेंट इज मैक्सिमम, पॉइंट वेयर द टॉर्जनल मोमेंट इज मैक्सिमम।
ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, या फिर आप और, ये और करके हैं, ये तीनों डेफिनेशंस और करके हैं, वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, या फिर आप कह सकते हो वो पॉइंट जहाँ पर वेयर द कर्व ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व्स अ जीरो एक्सिस, ये तीनों आपको कंडीशन जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर आपको लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर हमें क्या करना है, निकालना है। तो फॉर पॉइंट ऑफ फाइंड द क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे फाई, हम एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, हमें लोकेट करने के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस पहली डेफिनेशन से हम ये समझते हैं बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर निकालने के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। ठीक है, तो फॉर पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर POC स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, एम फाइव इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर जीरो होती है एम फाइव इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ये एक्स इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एम फाइव ये जनरल इक्वेशन है ना, तो हम यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी, या फिर इक्वेशन वन जीरो हो जाएगी, इक्वेशन वन भी इक्वेशन एक्स और दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा आर स्क्वायर थीटा साइन फाइव प्लस का थीटा कॉस फाइव कॉट थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हम कह सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर इसके नीचे आएगा वो ख़त्म हो जाए जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू, ये वन उधर चला जाएगा, वन माइनस थीटा कॉस फाइव और कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अब हम क्या करें, यहाँ से फाइव निकालना है, हमें यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें पता चल जाएगी कि वो पॉइंट कहाँ पर लोकेट करेगा। भाई अगर हमें फाई, आप सोचो अगर हमें फाई की वैल्यू पता चल जाएगी, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर अगर यहाँ पर है पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, तो हमें फाई की वैल्यू बचा अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोकेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर को, तो हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो गाइस फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाई की वैल्यू निकलेगी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं, हमें थीटा तो पता है फाई नहीं पता, थीटा पता है हमारे पास 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो हम मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर थीटा साइन फाई इज इक्वल टू वन माइनस थीटा कॉस फाई कॉट थीटा, तो थीटा अकेला है यहाँ पर 0.5234 हमें रेडियंस में रखना है, साइन फाई इज इक्वल टू वन में थीटा यहाँ पर अकेला है 0.5234, कॉस फाई कॉट थीटा, कॉट के साथ थीटा है तो हमारे पास कॉट के साथ थीटा है तो 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 0.5234 साइन फाई इज़ इक्वल टू वन माइनस, अब देखो कॉट 30 और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी 0.5234, या फिर आप कह सकते हो 0.5234 डिवाइडेड बाय टेन थर्टी इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आएगी 0.9065, तो ये आपके पास आएगी 0.9065 कॉस फाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 0.5234 साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस 0.9065 कॉस फाई का होल स्क्वायर, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखिए जहाँ यहाँ पर कहीं से भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास 0.5234 का होल स्क्वायर आपके पास 0.2739, तो ये आपके पास आएगा 0.2739 हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 0.9065 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.8217 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए तो आपके पास क्या है 0.9065 कॉस फाइव और आपके पास बी है हमारे पास वन, तो वो
कोई मैटर नहीं करेगा। तो देखिए आपको पता है पूरी इक्वेशन को या तो आप साइन में कन्वर्ट कर लो या पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में कन्वर्ट कर लो, किसी एक में आप कन्वर्ट कर लो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, किसी भी एक में आप कन्वर्ट कर लो, तो जब आप किसी भी एक में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको आसानी होगी, आप आराम से निकाल सकते हो। तो हम ले लेंगे पूरी इक्वेशन को, हम सॉल्व जब करेंगे तो हम कर सकते हैं 0.2739, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपके लिए एक और आसानी ये रहेगी कि आप कॉस को एक साइड कर लो, साइन के साइन को एक साइड कर लो, आप इसे कॉस को आप चेंज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये स्टेप ना करो, आपके लिए और आसानी ये रहेगी आप इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, मतलब आप लिख लो यहाँ पर 1 माइनस इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, 1 माइनस 0.5234 साइन फाई आपके लिए आसानी ये रहेगी। मैं आपको समझ में आ जाएगा कॉस फाई, ठीक है, या यहाँ पर अकेला रह गया कॉस फाई, ठीक है कॉस फाई। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर लो, ठीक है, आप स्क्वायरिंग जो आप लिख दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम कर लेंगे तो ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0.5234 साइन फाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 0.5234 साइन फाई और यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 0. जब ये स्क्वायर होगा 0.8221 कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आपको पता है एक आइडेंटिटी, आपको पता है आइडेंटिटी ये पता है कि इसको अगर आपको साइन में करना है पूरी क्वेश्चन को अगर आपको साइन में करना है तो ये होगा 1 प्लस 0.5234 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 0.2739। मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन थी और यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने कौन सी लगा दी, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, जब कॉस स्क्वायर फाई को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर फाई को इधर मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इधर माइनस में आएगा तो कॉस स्क्वायर फाई ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर फाई को यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया और 0.8221 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो गाइज हमारे पास क्या जाएगा, क्या इक्वेशन आएगी, 1.096, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो आएगी 1.096, आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस का 1.047 साइन फाई प्लस का 0.178 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे अपने कैलसी में। देखिए 991 ms की कैलसी में सॉल्व कैसे करेंगे, हमने मोट प्रेस करा, 5 पर इक्वेशन आ रहा है 5 प्रेस करा, 3 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 3 प्रेस करा। ए जो होता है ये होता है आपका ए, ये होता है आपका साइन के साथ बी, ये होता है आपका सी। तो ए है 1.096 इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर दीजिए, और दूसरा क्या आपका माइनस का 1.047 इज इक्वल्स टू साइन प्रेस कर, थर्ड है आपका 0.178, तो आप थर्ड प्रेस कर दिए तो ये आपके वैल्यूज़ आएगी। पहली वैल्यू है 0.734, तो पहली वैल्यू साइन फाई की क्या आ गई, साइन फाई की पहली वैल्यू आ गई 0.734। दो वैल्यू आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार और इक्वल टू का साइन प्रेस करिए 0.221, एक और साइन की वैल्यू आ गई, साइन फाई की वैल्यू है 0.221। अब आप देखेंगे जब हम 0.734 साइन फाई की जगह रखेंगे, वो मैं करके देख चुका हूँ, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नॉट सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सही है और ये हम
नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, तो इसी तरीके से हमारे पास साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.221। अगर यहाँ से फाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे आ जाएगी, तो आ जाएगी साइन इनवर्स 0.221। तो फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आप निकाल लो साइन इनवर्स। कैसे करेंगे, करेंगे मोड में आकर इसे वन प्रेस कर दिए, आप नॉर्मल हो जाए कर देंगे। अब इसमें आप साइन इनवर्स क्या शिफ्ट दबाकर साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स 0.221 हमने प्रेस करा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 12.76 डिग्री। फाइ इज इक्वल टू 12.76 डिग्री, 12.76 डिग्री हमारे पास फाइ की भी वैल्यू आ गई 12.76 डिग्री। अच्छा, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास 100 ms का कैलकुलेटर है तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप किस तरीके से करोगे, आप इस तरीके से करोगे, आप मोड पर प्रेस करते रहोगे जब तक इक्वेशन तीन बार मोड पर प्रेस करना है, 1, 2, 3। तो इक्वेशन आ जाएगा, 1 प्रेस कर देंगे हम, यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे। अननोन्स, अननोन हमारे पास कितना है, सिर्फ एक वन, एक अननोन है साइन फाई हमें पता करना है, मगर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है तो हम स्किप कर देंगे। डिग्री हमारे पास क्या है, 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, 2। ए मांग रहा है 1.096 इज इक्वल टू कोसाइन, बी मांग रहा है, बी डाल दी इज माइनस का 1.047 और सी मांग रहा है 0.178। तो आप प्रेस करोगे इक्वल्स टू का साइन, ये आ रहा 0.734, जो कि हमारे पास 0.734 आ रहा था। एक और बार प्रेस करोगे 0.221 आ रहा है, तो यहाँ पर 0.221 आ रहा था। ठीक है, और जब आपको इनवर्स का साइन वैल्यू निकालनी है, मोड प्रेस करोगे, 1 प्रेस करोगे, नॉर्मल हो जाएगा, शिफ्ट दबा के साइन आप करोगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट लागे 0.221 प्रेस करोगे, ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास आएगी 12.76 वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ तक हमारे पास समझ में आ गया। इसका मतलब इस अगर हमें इसे रेडियन में करना है, हमें इसे रेडियन में करने के लिए हमारे पास कितना मतलब पाई बाय 180 से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी कि आपका आएगा 0.225 हमारे पास आ जाएगा रेडियंस। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ गया हमारे पास, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 12.76 डिग्री पर लाई करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 12.76 डिग्री पर लाई करेगा। हम लिख सकते हैं हमने फाई की वैल्यू निकाल ली, हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज लोकेटेड एट फाइ इज इक्वल्स टू 12.76 डिग्री। ठीक है, अब आप कह सकते हो, और एक बात और कह सकते हो, एट फाइ इज इक्वल टू 12.76 डिग्री बेंडिंग मोमेंट भी ज़ीरो होगा, और एट फाइ इज इक्वल टू 12.76 डिग्री टॉर्जनल मोमेंट इज मैक्सिमम। हमारे पास टॉर्जनल मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, तो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमने लोकेट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम। अब गाइस, टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम की वैल्यूज भी तो निकालनी होगी ना। तो आप आई थिंक यस, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम। टॉर्जनल मोमेंट डायग्राम, फोर्थ पॉइंट टॉर्जनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, टॉर्जनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, टॉर्जनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो गाइस टॉर्जनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए भी इसकी एक इक्वेशन होती है। तो वो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है टी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस का थीटा साइन फाई, थीटा साइन फाई कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस फाई माइनस थीटा। ये हमारे पास टॉर्जनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन होती है, हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, टॉर्सल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन होती है, क्या होती है, ओमेगा आर स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस का थीटा साइन फाई कॉट थीटा प्लस फाई माइनस का थीटा, ये हमारे पास टॉर्सल मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन होती है। अब इसकी हेल्प से वही जो हम काम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कर रहे थे वही काम हम इसमें करेंगे। अब इसमें बस एडिशनल काम ये करेंगे, हम इसके ऊपर भी वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले हम 0, 15 और 30 पे वैल्यूज़ निकालते हैं, टॉर्सनल मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो हम इसके ऊपर भी वैल्यूज़ निकालेंगे ताकि हम टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम आसानी से और अच्छे से हम बना सकें। ठीक है, तो हम करेंगे पुट फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री इसका मतलब 0.5234 रेडियंस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इस पर रखोगे तो टी फाई इज इक्वल टू ओमेगा 150 आर 5 का स्क्वायर थीटा, थीटा अकेला है तो हम रेडियंस में करेंगे 0.5234 कॉस फाई, कॉस फाई, फाई हमारे पास 0 है माइनस का थीटा, 0.5234 साइन फाई, साइन फाई हमारे पास 0 है, साइन फाई 0 है, कॉट थीटा यहाँ पे आएंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है, यहाँ पर थीटा प्लस का फाई, फाई हमारे पास क्या है, फाई हमारे पास 0 और थीटा हमारे पास 0.5234 हमारे पास है। जब हम इसे टी फाई को जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये वाला टर्म तो 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी और ये वाली वैल्यू यहाँ रही, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 0, जब ये 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 कर देगा। समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो ये आपका 0 किलो न्यूटन मीटर आ गया गाइस। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पुट फाई इज इक्वल टू किस पे निकालेंगे, हम 15 डिग्री पे निकालेंगे। 15 डिग्री पे निकालने का मतलब आपका क्या है, जब आप 15 डिग्री पे निकालते हो इसका मतलब 0.2618 पर रेडियंस में निकालोगे। ठीक है, सॉरी, और जब आप थीटा इज इक्वल, आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और आपको पता है 0.5234 रेडियंस होता है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो टी फाई इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर 150 इंटू फाइव का स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 0.5234 हमारे पास कॉस फाई, कॉस फाई हमारे पास क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 0.5234 साइन फाई, फाई हमारे पास हो जाएगा 15, तो ये कॉट हमारे पास थीटा, थीटा हमारे पास होगा 30 प्लस का फाई, फाई अब हमारे पास होगा रेडियन में क्योंकि अकेला है, 0.2618 माइनस का थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5234। ठीक है, ये समझ में आ गया, 5234 ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो टी फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लही मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको बस पुट करनी वैल्यूज डायरेक्ट, 0.5234 cos 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.5234 साइन 15 cot 30 नीचे आ जाएगा 10 30 में, आपके पास आ जाएगा 10 30 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का 0.2618 माइनस का 0.5234। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से, जब आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, या आपके अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब आप इसे 150 इंटू 5 का स्क्वायर 150 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 150 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगी 34.99। जब ये 34.99 आएगी आप इसे मान लोगे 35 और 36 मान सकते हैं तो टी फाई की वैल्यू आपके पास आ गई 35 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 35 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको तो ये आ गई, एक मिनट मैं इसे फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, 34.81 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी ये आ रही है 34.81।
सॉरी, बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक थी, 34.81 किलो न्यूटन मीटर, ये आपके पास 35 नहीं आएगी, बस 34.81 थोड़ा सा बस कम हो गया, 34.81 किलो न्यूटन मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, पुट फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर आपको पता है 0.2618 आपको पता ही है, सॉरी 0.2618 नहीं, 0.5234 रेडियंस आपको पता ही है, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको पता ही है, जो कि होता है 0.5234। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी T5, जब आप पुट करोगे तो T5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 किलो न्यूटन मीटर। अब हमने एक और बात कही थी, हमें इस पे भी, इस पर भी वैल्यू निकालनी है, 12.76 डिग्री पर भी वैल्यू निकालनी है। जब आप पुट करोगे, पुट 5 इज इक्वल टू 12.76 डिग्री पुट करोगे, तो 12.76 डिग्री जब आप पुट करोगे तो आपको 2 आ जाएगी, आपको 12.76 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लोगे। कैसे चेंज करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये हो जाएगी 12.76 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास हो जाएगी 0.2225 रेडियंस आपके पास वैल्यू आएगी। जब आप गाइस पुट करोगे तो T5 की वैल्यू, आप पुट करके देख लेना, जब आप पुट करोगे तो T5 की वैल्यू आपके पास आएगी 35 किलो न्यूटन मीटर, आप पुट करके देख लेना। मैंने ये सब पुट करके, जैसे मैंने ये सब पुट करी हैं, शेयर फोर्स में मैं पुट करी हैं, बेंडिंग मोमेंट पुट करी हैं, ऐसी मैंने टॉर्सन मोमेंट में पुट करी हैं, इसी तरीके से आप इसे पुट करके देखना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35 किलो न्यूटन मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी, तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा गाइस, कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स में क्या लेते हैं, फाई को डिग्री और मिनट में ले लेते हैं, तो उसे कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि डिग्री और मिनट में हम कैसे रखते हैं। तो जैसे हमारे पास फाई है, 12.76 डिग्री हमारे पास एक फाई, हमारे पास फाई की वैल्यू है, तो हमें पता, हम लिख सकते हैं 12.76 डिग्री को लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस का 0.76 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 60 मिनट्स में 1 डिग्री होती है। ठीक है, या आप इन दोनों को कह सकते हो, तो आपके पास 0.76 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 0.76 डिग्री में आपके हो गए 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 60। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 60 जब आप करोगे, तो ये आपके पास आएगा 45.6, तो आप 46 ले सकते हो, इसका मतलब 46 मिनट, या आप इसे कह सकते हो फाइव इज इक्वल्स टू को कह सकते हो 12 डिग्री 46 मिनट भी आप इसे कह सकते हो। जब 12 डिग्री 46 मिनट्स आप कह सकते हो, और आप यहाँ पर टॉर्सनल मोमेंट में यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हो, 12 डिग्री 46 मिनट को यहाँ पे आप डिग्री मिनट में रख सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, वरना जैसे मैंने करा वैसे आप कर लो, बिल्कुल सही है, 12 डिग्री 46 मिनट हमारे पास है। ठीक है, और अगर हमें एक और को करना है, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू आई थी, ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो दो वैल्यूज आई थी, तो एक तो ये थी 0.734, एक थी 0.221, तो ये वैल्यू इसलिए हमने सेटिस्फाई कर ली थी क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मगर ये दोनों जो हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हैं, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हैं, हम आपको आगे बताएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरीके से हैं, तो बस मैं इतनी सी बात बताना चाहता था, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिज़ाइन करते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपके पास, ये इसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, ये है शेयर फोर्स के लिए मैंने लाइन बनाई है, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए, और ये टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम के लिए लाइन बना ली। ठीक है, ये सब जीरो एक्सिस हैं। ठीक है, तो हम लोकेट करेंगे, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे 0 डिग्री पर,
ठीक है। उसके बाद हम लोकेट करेंगे जीरो से कहाँ तक जा रहा है, 60 डिग्री तक, जीरो से टू थीटा तक जाएगा, ठीक है। जीरो से टू थीटा तक जाता है वो, तो हमारे पास 60 डिग्री, उसके बीच में हमारे पास कहाँ पर लोकेट हो जाएगा वो, उसके बाद पास बीच में हो जाएगा लोकेट 30 डिग्री पर, इन दोनों के बीच में लोकेट हो जाएगा वो 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर, और इन दोनों के बीच में लोकेट हो जाएगा वो गाइस कहाँ पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर वो लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हमें शेयर फोर्स की वैल्यू चाहिए फाइव इज इक्वल टू जीरो पे। तो हम फाइव इज इक्वल टू जीरो पे शेयर फोर्स की वैल्यू पर जाएंगे, फाइव इज इक्वल्स टू जीरो पर 392.625 वैल्यू है, ठीक है। तो हम वहाँ पर लोकेट कर देंगे 15 पर 196 से, सबसे पहले 392.625 पर हमें वैल्यू बनानी है। 392.625 आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारे पास हमने बना लिया, ये जो लाइन है ये हमारे पास बता रही है 392.625 किलो न्यूटन वैल्यू हमारे पास हो गया। 15 डिग्री पर कितना कह रहा था, 15 पर हम एक रेफरेंस लाइंस बना लेते हैं जो कि हमारे लिए आसानी रहेगी। थर्टी पर भी बना लेते हैं और 45 पर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो 15 पे हमारे पास कितना आ रहा था, 15 पे हमारे पास आ रहा था, 15 पे हमारा 196.275, तो 196.275 तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 196.275। 30 पर कितना आ रहा था, 30 पर हमारे पास आ रहा था ज़ीरो, तो 30 पर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो एक्सिस है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो इसके इस लाइन इस पॉइंट के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट के थ्रू हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू ज्वाइन करें। जब आप 60 डिग्री पर निकालोगे, जब आप उसे 5 60 पर निकालोगे तो वो जो माइनस का 392.625 आएगा, 392.625 आएगा, ठीक है, 392.625 आएगा। आप इसे लाकर इसे इस तरीके से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लाइन लाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो हमारे पास होगी जो कि 15 पर था, 15 पर कितना था 196.275 किलो न्यूटन, तो ये पॉजिटिव, और ये भी आपके पास कितना होगा 196.275 किलो न्यूटन, हालांकि वो नेगेटिव होगा, वो डजेंट मैटर, और ये भी माइनस 392.625 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, दैट्स ऑल। अब हम किसका बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। बेंडिंग मोमेंट यहाँ से स्टार्ट है, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो पर आप देखो कितना था, बेंडिंग मोमेंट आप जीरो पर 349.76 का मतलब निगेटिव साइन है नीचे की तरफ, निगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा 349.76 हमारे पास ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तो इस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा 392.76, तो ये आ जाएगा आपके पास 349.76 किलो न्यूटन मीटर। और जब आप देखोगे 15 पे जो वैल्यू थी, 42.46 15 पर थी, तो 42.46 हम बना लेंगे वो अबव द जीरो एक्सिस आएगा, 42.46 आई थिंक सो यहाँ पर आ जाएगा। और 30 पर कितनी वैल्यू थी, 30 पर थी आपकी, 30 पर वैल्यू थी 176.25, तो 30 पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 176.25 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है 15 पर 42.46 किलो न्यूटन मीटर, और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास है 176.25 किलो न्यूटन मीटर। तो गाइस जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से ज्वाइन होगा, ये कुछ ये यहाँ से यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से हम थोड़ा पेंसिल से ज्वाइन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, कर्व लाइन आएगी क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन है, कर्व लाइन आएगी, तो कुछ इस तरीके से
इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और सिमेट्रिकल रहेगा, बोथ दोनों तरफ से सिमेट्रिकल रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगी वो यही सेम होगी, माइनस का 349.76 किलो न्यूटन मीटर होगी, ठीक है। और ये भी जो वैल्यू होगी वो भी इसके जस्ट सेम होगी, यहाँ पर 42 पॉइंट आ जाएगा, जो वैल्यू होगी ये सेम होगी, 42.46 हो जाएगी। और अब आप देखोगे, मैंने आपसे कहा था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बारे में, मैंने आपसे एक बात कही थी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जो जहाँ पर जो है एक्सिस जो है कट करती है, तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो जाता है। जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया था, अ पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, दैट पॉइंट विल बी द कर्व ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कट्स द जीरो एक्सिस, जहाँ पर जीरो एक्सिस पर कट करेगी, वेयर द टॉर्सनल मोमेंट इज मैक्सिमम। तो इसी तरीके से हम टॉर्सनल मोमेंट का डायग्राम हम बना लेंगे, टॉर्सनल मोमेंट का डायग्राम हम बना लेंगे। तो यहाँ पर 12 degree 46 minute पे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 34 पर 0.81 पे यहाँ पर हो जाएगा, और 0 पर यहाँ पर हो जाएगा, तो एक कर्व लाइन आ जाएगी, एक कर्व लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा टॉर्जन मोमेंट डायग्राम। 0 पर था और हमने देखा था कि 15 डिग्री पर ये आपका 15 डिग्री पर कितना था, फिर 34.81 था, तो ये 34.81, और 12 degree 46 minute पर कितना था, 12 degree 46 minute पर 35 किलोमीटर आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर भी यही वैल्यूज आएंगी, बस एक नेगेटिव में आ जाएंगी, और हम इस तरीके से टॉर्जन मोमेंट डायग्राम हम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ये बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहाँ पर टॉर्जन मोमेंट यहाँ पर क्या है, टॉर्जन मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है। तो यहीं पर आ जाएगा आपका 12 degree 46 minute और यहाँ पर आ जाएगा 47 degree 14 minute। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 12 degree 46 minute, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया ये 47 degree 14 minute क्या है। दोस्तों वो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे, दो कोऑर्डिनेट्स आए थे साइन फाई के, ये कोऑर्डिनेट्स आए थे, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देते हैं। बस ये फ़र्क ये था, ये सेटिस्फाई कर रहा था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसलिए हमने इसे ले लिया था। और ये दूसरा वाला जो था 0.734, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर था। किस तरीके से देगा, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइव इक्वल टू साइन इन 47 degree 20 47.22 degree, तो हम इसे लिख सकते हैं 47 degree + 0.22 degree 47 degree। अब आप इसे 0.22 को आप जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 14 मिनट आएगा, क्योंकि 60 मिनट से मिनट मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 47 degree 14 minute। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसे 47 degree 14 minute पर शो कर सकते हो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास टॉर्सन मोमेंट डायग्राम हमने शो कर दिया है। अब हम फिफ्थ स्टेप पर आते हैं, डिज़ाइन द सपोर्ट सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हम डिज़ाइन करेंगे सपोर्ट सेक्शन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो आइए फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप हम अपना करते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है डिज़ाइन सेक्शन वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लिख देता हूँ मैं डिज़ाइन सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, डिज़ाइन सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों इसमें हमारे क्या होंगे, इसमें हमारे पार्ट्स इसलिए होंगे क्योंकि हम इसमें स्टेप वाइज डिज़ाइन करेंगे सेक्शन को। हमारा इसके अंदर हम कह सकते हैं, मैंने इसे डिवाइड कर दिया है फोर पार्ट्स में। तो फोर पार्ट में फर्स्ट पार्ट मेरा ये कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ बीम कि फाइंड करना है हमें डेप्थ ऑफ बीम। और हमारे पास बी पार्ट ही कहता है मेन रेनफोर्समेंट हमें कैलकुलेट करना है, मेन
रेनफोर्समेंट को मैं आर एफ से शो कर सकता हूँ, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में से मैं शो कर सकता हूँ। तो मेरा सी पॉइंट होगा, सी पार्ट होगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, और डी एंड द लास्ट साइड रेनफोर्समेंट, साइड रेन फोर्समेंट होगा। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं डिज़ाइन ऑफ डेप्थ ऑफ बीम, सॉरी। तो फर्स्ट ए पॉइंट पॉइंट ले लेते हैं डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम। तो डेप्थ ऑफ बीम को हम स्मॉल डी से शो कर सकते हैं। तो हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर कितना था। तो हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर हमने पीछे निकाला था 349.76 किलो न्यूटन मीटर था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, इज इक्वल टू 349.76 किलो न्यूटन मीटर। हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल्स टू 300 mm। हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही, और हम एज्यूम कर लेते हैं M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और Fe और स्टील हम Fe 415 यूज़ कर रहे हैं। ये 415 जो है Fy की वैल्यू होती है। M20 जो होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम इसे कहते हैं। आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो इसका डिज़ाइन कांस्टेंट होता है M20 का, उसे हम लेते हैं 0.138। दोस्तों लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करा था कि डिज़ाइन कांस्टेंट सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी, सिग्मा टी कितना होता है। तो आप चाहो तो मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे पास कैपिटल डी का जो फॉर्मूला हो जाता है, स्मॉल डी आप कह सकते हो, का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है आपके पास अंडर रूट एम अपॉन क्यू इंटू बी इंटू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एम अपॉन क्यू इंटू बी इंटू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जहाँ पर हम निकाल सकते हैं डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम, हमें पता है 349.76 इंटू 10^6, और हमें पता है क्यू कितना है 0.138, और बी हमें पता है 300, और हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें पता है 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 650 mm आ जाएगा। और यहाँ से ओवरऑल डेप्थ जो से हम कैपिटल डी कहते हो, वो स्मॉल डी प्लस का क्लियर कवर होती है। तो स्मॉल डी आपका 650 प्लस का 30 का क्लियर कवर दे दिया आप, तो कैपिटल डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 680। कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 680 mm आ जाएगी। उसके अब हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब हम बी पार्ट, मेन रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। बी है हमारा पार्ट, हमारे पास बी पार्ट है मेन रेनफोर्समेंट। दोस्तों मेन रेनफोर्समेंट में जो हम इसमें से हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है, और हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर मेन रेनफोर्समेंट द रेनफोर्समेंट विच इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम इज़ नोन एज द मेन रेनफोर्समेंट, ट्रांसफर इज़ नोन एज द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ से मेन रेनफोर्समेंट निकालना, हमें यूज़ करना पड़ेगा फार्मूला। फार्मूला हमारा है एम इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट डी माइनस एफ वाई ए एस टी अपॉन बी इंटू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है
AST यहाँ से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। हमें पता है m 349.76 × 10⁻⁶ = 0.87 × fy आपको पता था, fy आपको पता है 415 होता है, तो fy हमारे पास हो जाएगा 415 और इंटू AST हमें निकालना है, स्मॉल d की वैल्यू 650 माइनस fy 415 और यहाँ पर आपका AST अपॉन में b हमारे पास 300 और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, नीचे लाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारे पास ये हो जाएगा 349.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ डिवाइडेड और 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 415। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 6 8 7 3 0 9 7 8 7 3 0 = AST। इसके अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 650 AST माइनस का 415। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे 415 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.069691 AST स्क्वायर। अब आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 0.06691 AST स्क्वायर माइनस का 650 AST। ये मैं उधर ले गया, ये भी उधर ले गया और वो उधर का उधर ही रहा, प्लस का कितना 9 6 8 7 9 6 8 7 3 0 = 0। तो यहाँ पर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 991 ms का कैलकुलेटर तो आप मोड दबाइए, क्या इक्वेशन पर 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3। ए पूछ रहा है, ये होता है ए 0.069 AST स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो था ए 691। ये हो गया बी, हमारे पास हो गया माइनस का 650 और ये हमारे पास हो गया 9 6 8 7 3 0। ये हम जब सॉल्व करेंगे तो एक AST की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दो AST की वैल्यूज आएंगी क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन है। AST की वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 7 5 0 mm² और दूसरी हमारे पास एक और इक्वल टू का साइन 1856, हम मान लेते हैं 1860 mm², ठीक है 1860 mm². अब मैं इन्हें दोनों को पुट करके देख रहा हूँ, देखता हूँ जो सेटिस्फाई करती है वही इसका वैल्यू होगी। तो गाइस मैंने रख कर देख लिया है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख कर देख सकते हो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर हमारे पास AST जो आपके हमारे पास आ गया, AST जो हो जाएगा आपका 1860 mm² हमारे पास आपका AST हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन रीइंफोर्समेंट है तो हम कितने एमएम की बार प्रोवाइड कर सकते हैं, 20 mm की बार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि प्रोवाइड 20 mm डायमीटर बार, कितनी बार प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बार्स हम निकाल सकते हैं। n = हमें पता है कि AST अपॉन में एरिया ऑफ वन बार टोटल AST अपॉन एरिया ऑफ वन बार। तो ये टोटल AST हमारे पास है 1860 डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन बार क्या, पाई बाय 4 इंटू 20 mm की डायमीटर, 20 का स्क्वायर जब हम करेंगे 5.9 कुछ आ रहा है, आप 6 ले लोगे। तो आप लिख सकते हो कि प्रोवाइड 6 बार ऑफ 20 mm डायमीटर, ठीक है, इन टू लेयर्स। आप टू लेयर्स में 6 बार को आप टू लेयर में प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपका हो गया मेन रीइंफोर्समेंट आपका डिजाइन हो गया। अब आपका क्या आता है, सी पार्ट हमारे पास क्या था, हमने डेप्थ ऑफ बीम निकाल ली, मेन रीइंफोर्समेंट निकाल लिया, सी पार्ट था हमारे पास ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो हम सी पार्ट में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट निकाल लेंगे। तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के लिए हम टॉपिक डाल देते हैं
ट्रांस वर्स रेनफोर्समेंट। तो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट में हम कैसे निकाली, अब हमें पता है अच्छे तरीके से ट्रांसफर रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको देखिए मेन रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स पता होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स पता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको पता है जो कि वी यू से शो होता है, तो आपको पता है 392, आप पीछे देख सकते हो मैंने शेयर फोर्स निकाले थे 392.625 किलो न्यूटन आता है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होता है शेयर रेनफोर्समेंट। शेयर रेनफोर्समेंट मतलब कि हमें प्रोवाइड करने होते हैं स्टिरअप्स प्रोवाइड करने थे। कब इस प्रोवाइड करने होते हैं, जब प्रोवाइड करने होते हैं मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, इफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जिसका हम कहते हैं टाउ वी इज ग्रेटर देन द शेयर कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी टाउ सी, अगर टाउ वी जो है टाउ सी ज़्यादा प्रोवाइड ज़्यादा होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, अगर टाउ वी टाउ सी से ज़्यादा होता है तो देन प्रोवाइड, तो देन आप लिख सकते हो देन प्रोवाइड, देन प्रोवाइड शेयर रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, शेयर रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। अब देखिए हम सबसे पहले हमें टाउ भी निकालना होगा, फिर टाउ सी निकालना होगा, जबी तो हमें पता चला चलेगा कि हमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। तो टाउ वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी यू अपॉन में बी डी, वी यू अपॉन में बी डी, जहाँ पर वी यू जो होता है 392.625 किलो न्यूटन है, तो 10^3 डिवाइडेड बाई बी डी, बी आपका था 300 और डी आपका स्मॉल डी आपका था 650। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 392.625 × 10^3 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 650, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आपको आएगा 2.01, तो यह आ रहा है आपके पास 2.01 आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपका आपके पास क्या आ रहा है टाउ वी की वैल्यू आ रही है। अब देखिए फॉर टाउ सी निकालने के लिए हमें IS कोड यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना है IS कोड 456 2000 पेज नंबर 73। अब टाउसी निकालने के लिए हमें IS कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और IS कोड से टाउसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस पे हमें टाउसी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पेज नंबर उस पर करने के लिए अब आपके पास देखिए ये IS कोड है, मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि IS कोड 456 2000 है, ठीक है। तो पेज नंबर 73 पर आप आ जाओ, पेज नंबर 73 पे आने के बाद आपको टाउ सी की वैल्यू परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस पे मिलेगी। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, स्टील का आपके पास पता है फॉर्मूला AST अपॉन में BD इंटू 100। AST आपके पास क्या 6 बार जो आपने प्रोवाइड करी हैं, 6 बार जो आपने प्रोवाइड करी हैं 20 mm की, इसका एरिया AST मतलब इसका एरिया टोटल एरिया 6 × π/4 × 20 का स्क्वायर अपॉन बी हमारे पास 300 इंटू डी हमारे पास 650 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.96% आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया। अब आपके पास 0.96% ऑफ स्टील है, अब आप देख सकते हो इसके अंदर टेबल नंबर 19 में लिख देता हूँ, टेबल नंबर 19 में आप देख सकते हो परसेंटेज स्टील दी हुई है आपके पास 0.96 से 0.96 0.75 से आगे 1 से कम होती है, तो 1 के आसपास होती है और M20 का ग्रेड यूज़ करा है, टाउसी की वैल्यू आपके पास आ गई 1 के पास, और वो लेते हैं जिसके वो करीब होता है, 96 उसमें है नहीं तो 1 उसके करीब है, तो हमने
अगर वो 7.6 होता तो 7.5 का हम ले लेते 0.56, और 9.6 से 1 के करीब है तो हम 1 का ले लेंगे। M20 के लिए 0.62, तो हमारे पास आ गया फ्रॉम कोड, देयरफॉर फ्रॉम कोड हमारे पास आ गया फ्रॉम कोड टाउ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.62 न्यूटन पर mm². अब हमारे पास सिंस हम देख सकते हैं टाउ वी जो है ज़्यादा है टाउ सी से, क्यों, ये 2.01 है और ये 0.62 है, देयरफॉर प्रोवाइड शीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हम प्रोवाइड कर देते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, अब हम मतलब शीयर रेनफोर्समेंट पर प्रोवाइड करने का मतलब है हमें स्टेरप्स प्रोवाइड करने होंगे, तो स्टेरप जो प्रोवाइड करते हैं उसकी स्टेरप की जो डाया होती है वो 8 से 10 mm की लेते हैं हम, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं जनरली प्रोवाइड कर देते हैं 10 mm डायमीटर और टू लेग स्टेरप 10 mm डायमीटर टू लेग स्टेरप हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो टू लेग स्टेरप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 नंबर ऑफ बार्स हैं जैसे किसी कॉलम में, और आपने यहाँ पर रेन स्टेरप आपने आप प्रोवाइड कर दी, एक लेग इसका ये है और दूसरा हुक इसका ये, तो दो हो गई, ये एक हुक एक लेग कहलाता है, दूसरा हुक दूसरा लेग कहलाता है, तो इसमें टू लेग हो गए, इसीलिए ये कहलाता है टू लेग स्टेरप, ठीक है। तो ये हमने प्रोवाइड कर दी 10 mm डायमीटर के टू लेग स्टेरप हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है हमें स्पेसिंग, टू लेग स्टेप तो हमने प्रोवाइड कर दिया, कितनी स्पेसिंग कितनी रहेगी इनकी, तो स्पेसिंग निकालने के लिए अब ये स्पेसिंग कितनी रहेगी, अब स्पेसिंग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आईएस कोड में आप देख सकते हो फॉर्मूला है, आप देखो देखिए पेज नंबर 73 पर ही फॉर्मूला है, VUS इक्वल टू 0.87 FYASVD/SV, ये है ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, और VUS इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। मैं हल्के आराम से बताता हूँ कि यहाँ पर फॉर स्पेसिंग यूज कोड IS कोड स्पेसिंग के लिए, अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला जस्ट लिख लो पहले, VUS इक्वल टू 0.87 FYASVD/SV, ठीक है, आप फॉर्मूला लिख लो VUS इज इक्वल टू 0.87 FYASVD/SV, ठीक है। अब जो यहाँ पर VUS जो है VUS जो है तो वो होता है VU माइनस का टाउ सी BD के बराबर होता है, ये आपका IS कोड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका IS कोड कह रहा है कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं VUS इक्वल टू VU माइनस का टाउ सी BD, ये VUS जो हो रहा है VU माइनस टाउ सी BD के बराबर हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो VUS हम निकाल लेंगे, VUS हमारे पास होगा VU मैंने आपको बताया था अभी, VU जो होता है आपका 392.625 हम न्यूटन में लिख सकते हैं, 392.625625 ये न्यूटन में आ गया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 300 × 650, तो आपके पास गए VUS जो आपका आ गया वो आ गया, आप सॉल्व कर लो 392.625 माइनस 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 650, आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 271725 न्यूटन आपके पास VUS आ गया, ठीक है, VUS आ गया। अब ये FY आपको पता ही है, FY क्या होता है, 415 होता है, D आपको पता ही है 650 होगा, ये आपको पता ही है स्पेसिंग होती है, ये आपको पता है क्या होती है, ये आपको पता है स्पेसिंग होती है, और ये आपको पता है स्पेसिंग होती है, और ये आपको ASV क्या होता है, ASV जो होता है वो होता है एरिया ऑफ वर्टिकल स्टेरप, ठीक है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टेरप के लिए आपको क्या करना है, ASV के लिए अब आपको निकालना है, देखिए टू लेग्ड है तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू
और एरिया ऑफ स्टेरप क्या हो जाएगा, बार है पाई बाई 4 इंटू 10 एम एम की बार है, तो आपका 10 एम की 2 लेग स्टेरप है 2 से मल्टीप्लाई, अगर 1 लेग स्टेरप होती 1 से मल्टीप्लाई हो जाता, 2 लेग स्टेरप है 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 एम की बार है तो पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो आपके पास ए एस वी का जो एरिया आएगा मैंने कैलकुलेट कर लिया है 157 एम एम स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से आप स्पेसिंग निकाल सकते हो, स्पेसिंग ये से इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, एस वी लिख सकते हो 0.87 इंटू 415 इंटू ए एस वी 157 इंटू डी 650 इंटू 650 डिवाइडेड बाई वी यू एस, वी यू एस हमारे पास आएगा 271725। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे सॉल्व करना, स्पेसिंग आएगी आपकी अप्रॉक्स 130 एम एम, अगर ज़्यादा आए 133 137 है तो 130 एम एम ले लेना है आपको। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग आ गई, जब यहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग आ गई तो हम लिख सकते हैं कि हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड 10 एम एम डायमीटर टू लेग डिस्टर्ब एट द रेट 130 एम एम सेंटर टू सेंट, कह सकते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमने प्रोवाइड कर दिया 10 एम एम डायमीटर टू लेग डिस्टर्ब एट द रेट 130 एम एम सेंटर टू सेंटर प्रोग्राम हमने कर दिया। अब हमारे पास गाइस ये आ चुका है और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी आ चुका है। अब हमारे पास बचा साइड रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कब करते हैं और क्यों करते हैं। साइड रेनफोर्समेंट हम जब प्रोवाइड करते हैं जब हमारी बीम में टॉर्जन मोमेंट हो, जब हमारी बीम में अगर जब टॉर्जन मोमेंट होता है तो हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि जैसे कोई भी चीज़ अगर टॉर्जन मोमेंट मतलब वो ट्विस्टिंग मोमेंट, जैसे किसी उस चीज़ को वो ट्विस्ट करना चाह रहा है, जब कोई चीज़ अगर ट्विस्ट होती है और हमें उसे रोकना है, रिस्ट्रेंट करना है कि वो ट्विस्ट ना हो, तो हम उसे साइड में उसको कनेक्शन या फिर साइड में उसको रिस्ट्रेंट रखते हैं ताकि वो ट्विस्ट ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लो कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल है मेरा और मुझे इसे ट्विस्ट करना है तो इस तरीके से ट्विस्ट होगा, ठीक है। और ये ट्विस्ट ना हो तो मुझे इस एंड पर फिक्स कर देना है यहाँ पर और ये एंड फिक्स कर देना है मुझे यहाँ पर, तो ये मैंने क्या करा साइड कनेक्शंस कर दिए, तो ये अब क्या होगा ट्विस्ट अभी हो रहा है फिर वो ट्विस्ट नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ से रुक जाएगा, रिस्ट्रेंट रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है अपने सेक्शन में भी साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें ताकि हम टॉर्जन मोमेंट को रिस्ट्रेंट कर सकें। तो थर्ड एंड द लास्ट साइड रेनफोर्समेंट तो क्या होता है, तो लिख सकते हैं हम व्हेन सेक्शन इज अंडर टॉर्जन या ट्विस्टिंग मोमेंट देन प्रोवाइड साइड रेनफोर्समेंट। अब साइड रेनफोर्समेंट में एरिया ऑफ स्टील कितना रहता है, तो याद रखिएगा साइड रेनफोर्समेंट में एरिया ऑफ स्टील जो है 0.1% ऑफ वेब एरिया होता है, वेब एरिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वेब एरिया क्या होता है, तो वेब एरिया मैं आपको बता दूँ अभी रफली मैं आपको बता दूँ फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रेनफोर्समेंट है और यहाँ पर ही आपके पास स्टेरप है, यहाँ पर ही आपके पास टू लेग स्टेरप हमें दिया हुआ है, तो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास डी है, कैपिटल डी। तो ये पूरा जो एरिया होगा इसे हम कहते हैं वेब एरिया, इसे हम इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे एरिया, पूरे रेक्टेंगुलर एरिया बी इंटू कैपिटल डी को हम क्या कहते हैं, वेब एरिया। तो हम निकाल सकते हैं ए एस टी इसका, तो 0.1% की वजह से नीचे 100 इंटू वेब एरिया बी इंटू कैपिटल डी, स्मॉल डी तो ये है और कैपिटल डी ये स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है, ठीक है। तो 0.1/100 इंटू बी हमारे पास 300 और कैपिटल डी हमारे पास था 680, ठीक है, 680 था वो 650 जब क्लियर कवर नहीं आ रहा था उसके अंदर,
ठीक है, ये हो गया आप तकरीबन आएगा 204 mm square, ठीक है 204 mm square। और अब साइड रेनफोर्समेंट में मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितनी ले लेंगे, साइड रेनफोर्समेंट में मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू 4, 4 बार्स हम ले लेंगे। साइड रेनफोर्समेंट कितनी ले लेंगे, 4 बार्स हमारे लिए बहुत रहती हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर एट 1/3 डेप्थ ऑफ ईच फेस। मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ, मैं बस एक रफ डायग्राम बनाकर आपको एक सेक्शन समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्शन, हमने सेक्शन बना लिया, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमने रफ सेक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल एक रेनफोर्समेंट हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, एक रेनफोर्समेंट हमने यहाँ प्रोवाइड, एक रेनफोर्समेंट हमने यहाँ, एक रेनफोर्समेंट हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पर रेनफोर्स अब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब एक बार अब देखिए साइड रेनफोर्स, अब आपने कहा था कि 6 बार 20 mm डायमीटर था टू लेयर्स में, जो कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम इसे इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से हम ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये और हमारे पास ये, हमने लिख सकते हैं 6 बार 20 mm डायमीटर। ठीक है, अब हमें साइड रेनफोर्समेंट देनी है, और साइड रेनफोर्समेंट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपको पता है 300 mm है, क्योंकि विड्थ है सेक्शन की, और आपको ऐसे पता है कि इसका जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है, इस डेप्थ की जो वैल्यू है वो आपके पास 680 mm है, ये भी आपको पता है। तो 4 बार हमें 10 mm की कहाँ पर प्रोवाइड करनी है, 4 बार हमें 10 mm की प्रोवाइड करनी है 1/3 डेप्थ पे, तो इसका ऑन ईच फेस, तो एक फेस ये है, ये एक फेस ये है, ये एक फेस है, और एक ये एक फेस है, तो फेस से 1/3 मतलब कि 1/3 मतलब 680 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 680 / 3 डेप्थ पर हमें प्रोवाइड करना है, 680 / 3 आपका रहा 226, तो आप फॉर एग्जांपल 226 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से 226 यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1/3 ऑफ डेप्थ ऑफ ईच फेस, 1/3 ऑफ 680 इक्वल्स टू 226 mm यहाँ पर आ गया, तो आपने यहाँ पर एक प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से आपका यहाँ से आ गया 1/3 ऑफ 680 इज इक्वल टू 226 mm, तो आपने यहाँ पर एक बार इसके जैसा सामने प्रोवाइड कर ली। इसी तरीके से आपने यहाँ से सिमिलरली यहाँ से भी 1/3 ले लेंगे, और यहाँ से भी 1/3 ले लेंगे, तो ये आपके पास हो गया साइड रेनफोर्समेंट, ये आपके ये और ये जो हो गई आपकी, आप कह सकते हो 4 बार ऑफ 10 mm डायमीटर, 4 बार ऑफ 10 mm डायमीटर आप कह सकते हो इन्हें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएंगी क्लियर कवर, ये आपके पास क्या हो जाएगा डियर, ये सब आपके पास ही क्लियर कवर कहलाता है, ये सब आपकी क्लियर कवर हैं। ठीक है, ये सब आपकी क्लियर कवर कहलाती हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, ये होती हैं आपकी क्लियर कवर, और ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास, ये ग्रीन इनर, जो ग्रीन इनर रेक्टेंगल जो आपके पास दिख रहा है फिर ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का सॉरी, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका स्टेरअप ही तो है, ये आपके स्टेरअप ही तो हैं, 10 डायमीटर के 2 लेग स्टेरअप हैं ये, 10 डायमीटर के 2 लेग्ड आप कह सकते हो, एक इस तरीके से बना लो, एक इस तरीके से बना लो, 10 डायमीटर 2
टू लेग्ड स्टिरअप्स, ये 10 डायमीटर के टू लेग्ड स्टिरअप हैं। इस तरीके से आपको सेक्शन को शो करना है। तो इस तरीके से आपने पूरा कर्व बीम को डिज़ाइन कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड टैंक के बारे में होने जा रही है। तो जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।